देखो हमने गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का ट्रेलर देख लिया, बट हमारे माइंड के अंदर ये क्वेश्चन उठ रहा है कि इस मूवी का विलन कौन है, वो कहाँ से आया है। मेरे कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि ये दोनों जो आपको दिख रहे हैं ये दोनों कहाँ से आए हैं, इन दोनों का कनेक्शन क्या है, इन दोनों का मूवी में क्या योगदान होगा, सबको समझा दूंगा सिंपल आसान। तो मूवी देखने से पहले इन दोनों के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वॉच दिस वीडियो। तो आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ कि हु इज हाई एवोल्यूशनरी। तो भाई ये विलन कोई भगवान नहीं है, ये विलन हमारे तरह पहले एक नॉर्मल पर्सन था, वो खाना पीना अर्थ के एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह रहता था। तो इसका जो रियल नेम था ना वो था हार्वर्ड, एंड ये काफी पढ़ा लिखा एंड हाई इंटेलिजेंस एजुकेटेड पर्सन। तो इसका ये मानना था कि हम इंसानों को भी और इवोल्यूशन की जरूरत है, हम इंसानों को भी ह्यूमैनिटी के पीक पर जाना है, बट इसका ये मानना था कि हम मशीनों को हमारी इंटेलिजेंस को इवोल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पर हुआ क्या, इस भाई साहब की दुनिया का एक भी लौंडा सुनने को तैयार नहीं कि तुम कह क्या रहे हो। इतिहास इस चीज का गवाह है कि किसी भी साइंटिस्ट या इंसान की ऐसी पढ़ी लिखी बातों पर कोई ध्यान ना दे तो वो क्या करता है, तो वो सब यहाँ पर इस मूवी के अंदर भी हो गया। तो यहाँ पर इस बंदे ने खुद के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट कर लिया एंड खुद को एक हाई इंटेलिजेंस इंसान बना दिया, यानी कि वो इवोल्यूशन की पीक पर चला गया, उसके ऊपर कोई नहीं। खुद की पर्सनैलिटी को इतना इवोल्व करने के बाद वो एक हाई इंटेलिजेंस इंसान बन जाता है, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री हर चीज में टेक्नोलॉजी में सब में आ गई। एंड यहाँ पर इस पर्सन के अंदर ये एबिलिटी आ जाती है कि ये किसी भी पर्सन को इवोल्व एंड डिवोल्व दोनों कर सकता है, यानी कि पूरा का पूरा कंट्रोल इन्हीं के हाथ में है भैया। उसके पास सुपर स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी है, सब कुछ है, उसके पास एक सूट भी है जो उसको पावर देता है। एंड यहाँ पर फिर ये एक प्लेनेट पे जाता है एंड वहाँ पर जाकर के जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चालू कर देता है, यानी उन्हें इवोल्व करता है। एंड ये जो प्लेनेट है ये बिल्कुल अर्थ के जैसा दिखता है, यानी कि आप इस प्लेनेट को अर्थ का मिरर वर्ल्ड भी कह सकते हो। खैर ये सब डोरेमोन में होता है, पर चलने दो। एंड जिस प्लेनेट पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है एंड ये ट्रेलर के अंदर हमें ये चुटकुले जो दिखाए गए ना ये उसी एक्सपेरिमेंट का परिणाम है। अरे यार तुम इन सबको देख के समझ जाओ ना कि इनके साथ हुआ क्या होगा। एंड रॉकेट भी इसी तरह किसी और प्लेनेट पर इसी तरह के किसी हादसे का शिकार हुआ। एंड वो रॉकेट के बारे में ना मैंने इस वाली वीडियो में बताया था, तो बाद में जाकर चेक कर लेना। एंड इस मूवी के अंदर जो ये आदमी देख रहा है ना एडम बोरलॉक, ये कहां से आया इस मूवी के अंदर? तो जो यहां पर एडम बोरलॉक है वो इसी हाई एवोल्यूशनरी के एक्सपेरिमेंट का परिणाम है। हाई एवोल्यूशनरी एडम बोरलॉक को क्यों बनाता है? ताकि वो अपने काम में हाथ बढ़ा सके, उसका काम अच्छा हो सके। एंड मुझे तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि जो ट्रेलर में नेबुला से लड़ रहा है ये उसी के कहने पर लड़ रहा है, उसी का आदेश का पालन कर रहा है, हाई एवोल्यूशनरी के आदेश का पालन। यहाँ पर जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो सब इस मूवी के अराउंड घूमेगी, तो कर लो सब्सक्राइब। एंड इस वाली वीडियो के अंदर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि रॉकेट कहाँ से आया, उसके साथ कितना अत्याचार हुआ, किस तरीके से एक जानवर से एक इंसान जैसा जानवर बना। तो क्लिक इट एंड वॉच नाउ।